बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 और एक्सरसाइज नंबर है 7.1, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक के, उनको स्टडी करेंगे इस वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कीजिए बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। हम जानते हैं जो आउटर पेयर होता है, और आउटर पेयर उसे कहते हैं जो छोटा ब्रैकेट होता है, या उसको स्मॉल पैरेंथेसिस कहा जाता है। इसमें जो पहली रकम होती है वो एक्स को जाहिर करती है, और दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो जाहिर करती है इसको वाई को। बीच में डॉट नहीं होता, कोमा होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अब इसको ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट के तौर पर। तो हमने क्या किया, हॉरिजेंटल जो एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल जो होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें मीट करती हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। वो वहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है, ठीक है। जैसे ही ओरिजिन से ऊपर जाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जैसे कसर नज़र आ रहा है आपको, ऊपर जाते जाएंगे तो ऐसे ही क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जिस तरह नीचे आते जाएंगे, इस ओरिजिन से नीचे आएंगे तो माइनस में बढ़ती जाएगी, लेकिन वैल्यू कम हो रही होती है दरअसल। इसी तरह ऑरिजन से राइट साइड पर जाएंगे तो एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, वाई एक्सिस में जाएंगे तो माइनस में बढ़ती जाती है, ठीक है। ये हमने ग्राफ पर बनाया, बुक में सॉल्व किया हुआ है, इसलिए ज़रा ये हमने अपने अंदाजे से ये स्केलिंग की हुई है, लेकिन आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो एक इक्वल किस्म का स्पेस रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जितना स्पेस 1 तक का, इतना ही 2 तक का, इतना ही 3 तक का, इतना ही यहाँ पर रखिएगा -1 में, -2, -3 में। इस तरह से इतना यहाँ से 1 तक का रखा है, इतना ही 2 तक का रखिएगा, इतना ही 3 तक का, ऐसे इस बराबर बराबर के स्पेसिंग कीजिएगा, ठीक है जी। अब ये पहला पॉइंट कहता है, ए कहता है एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू क्या है, 6 है। तो एक्स एक्सिस एक्स वैल्यू प्लस वाली 4 है, तो प्लस की 4 मतलब है इसको इस लाइन पर ढूंढेंगे, और वाई की वैल्यू प्लस 6 है तो उसको यहाँ पर ढूंढेंगे अप साइड के ऊपर। वाई की वैल्यू अप साइड पर पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव राइट साइड के ऊपर है, तो 4 ये रहा। एक्स की वैल्यू क्या कहा था, 4, तो एक्स की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 के ऊपर हमने डॉट लगा दिया अपनी निशानदेही के लिए, और दूसरा वाई की वैल्यू 6 था तो प्लस में ऊपर जाके 6 को यहाँ ढूंढा। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे, जहाँ मीट करेगी दोनों पॉइंट हमारे पास, वो हमारा पॉइंट होगा। ये अगर गौर से देखें तो इसके नीचे बिल्कुल नीचे आ रहा है, 4 के ऊपर आ रहा है ये, और लेफ्ट साइड पर 6 को क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये आपका पॉइंट ए है। इस तरह से हम बी पॉइंट को पहले चेक करेंगे। बी की वैल्यू में एक्स की वैल्यू -6 है, तो माइनस की वैल्यूज लेफ्ट साइड पे पाई जाती हैं, तो -6 यहाँ पर है, तो ये माइनस को डॉट लगाया हमने, ठीक है। प्लस से ये प्लस वाली नहीं है, माइनस वाली है, तो -6 है, ठीक है। तो पहली वैल्यू एक्स की होती है जो माइनस, दूसरी वैल्यू जो है 8 है, तो 8 कहाँ है हमारे पास, प्लस वाला ऊपर की तरफ है हमारे पास, तो 8 यहाँ पर है। अब 8 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और -6 से ऊपर जाएंगे, जहाँ मीट करेगा दोनों पॉइंट ये, जहाँ पे जिस जगह पे वहाँ डॉट लगा देंगे, वो हमारा बी पॉइंट है। तो हम इस दोनों ए, इस पॉइंट बी को और इस पॉइंट ए को स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो ए पॉइंट था उसकी वैल्यूज यहाँ दे रखी थी, कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे वो यहाँ लिख दिए, जो बी थे उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे वो यहाँ लिख दिए। ये एक सिंपल लाइन है ए बी, ठीक है जी। ए पॉइंट क्वाड्रेंट 1 में आता है और बी पॉइंट क्वाड्रेंट 2 में आता है, होता है, और यह वाला जो क्वेश्चन था ये 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल बनाइए आप ए बी सी को बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी एंड सी। ए के अंदर पहली जो ऑर्डर पर वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की है, तो एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 4 है। यहाँ पे भी जो बी पॉइंट है इसमें जो ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, -3 जो है वो एक्स है, -6 क्या है वो वाई होता है, दूसरा वैल्यू हमेशा वाई की होती है, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है। इस तरह सी पॉइंट में जो 3 है ये एक्स को जाहिर करता है और ये -2 वाई को जाहिर करता है। पहले ए पॉइंट को ड्रा करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस पूरी एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दी हमने, और इसी तरह से फिर एक वर्टिकल लाइन इसके ऊपर बिल्कुल सीधी स्केल की मदद से बना दी हमने। तो ये जहाँ पर दोनों लाइन है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मीट करती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। इससे राइट साइड पर जाएंगे, इक्वल स्पेसिंग करते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक चला गया। इस तरह इक्वल स्पेसिंग राइट साइड की जितनी वैल्यूज होंगी सारी एक्स एक्सिस की वो पॉजिटिव होंगी, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर जितनी वैल्यूज होंगी सारी नेगेटिव होंगी, -1, -2, -3, -4, -7, -8। इसी तरह से ओरिजिन से जैसे ही ऊपर जाते आएंगे, ये ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट करते हैं, जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है, ऊपर जाएंगे तो वो
प्लस में होंगे, प्लस वन टू थ्री सेवन तक, एट तक ले गए। इस तरह ओरिजिन से नीचे आएंगे, डाउनवर्ड आते जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस। इक्वल स्पेसिंग करना चाहिए, ग्राफ पेपर पे बिल्कुल एक्सेक्ट बनेगा, याद रखिएगा। ये रफ बनाया है मैंने अपने अंदाजे से, ठीक है। अब पहला पॉइंट ए जो है वो कहाँ ड्रा होगा हमारे पास, तो ए में एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन तो इस तरफ होता है, लेफ्ट साइड पर होता है। मैंने यहाँ पर हल्का सा डॉट लगा दिया अपने आसानी के लिए। वाई की वैल्यू क्या रखिए, फोर दे रखिए, तो माइनस वन एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू फोर, माइनस वन यहाँ पे, एक्स वैल्यू फोर, फोर यहाँ पर, डॉट नहीं लगाया मैंने, करीब करीब बोल रहे थे, बिल्कुल सामने जाएंगे यहाँ से और यहाँ से ऊपर जाएंगे, जहाँ मीट करेगा वो पॉइंट ए होगा। इसको डॉट लगा दिया पहले, ठीक है जी। अब बी पॉइंट का डॉट ढूंढेंगे, वो कहाँ पर है पॉइंट, ये एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, वाई की वैल्यू क्या है, वो माइनस सिक्स है, तो माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री यहाँ पाई जाएगी लेफ्ट साइड पर, तो माइनस थ्री ये रहा। यहाँ चाहें तो एक हल्का सा डॉट लगा दें अपने आसानी के लिए, सिक्स की वाई की वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स है, तो वो भी डाउन में मिलेगा, सिक्स के बिल्कुल यहाँ है, यहाँ हल्का सा डॉट लगा दीजिए। अब यहाँ से लेफ्ट जाइए और माइनस थ्री से नीचे आती है, जहाँ दोनों पॉइंट मीट करें, वो जहाँ दोनों लाइनें मीट करें वो आपका बी पॉइंट है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री है, वाई की वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स है, ये बी पॉइंट आ गया। अब सी पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू थ्री है और वाई की वैल्यू माइनस टू, थ्री जो है प्लस है, तो प्लस यहाँ बनेगा राइट साइड पर, थ्री ये रहा आपके पास। हल्का सा पॉइंट लगाना चाहें लगा लें, वाई की वैल्यू क्या है, वो टू है, तो टू नीचे की तरफ मिलेगा, माइनस माइनस टू है तो माइनस नीचे, माइनस टू से सीधा राइट की तरफ जाते जाइए और थ्री से डाउन आते जाइए, यहाँ रिपीट करेगा थ्री माइनस टू, ये आपका दूसरा तीसरा पॉइंट सी है हमारे पास। अब इसके अलावा से ए को बी से मिलाइए, फिर बी को सी से मिलाइए, फिर सी को डी से, सी को ए से मिला दीजिए, ये आपका ट्रायंगल बन गया आपका, आसान है, मुश्किल नहीं है। पांचवे में कहता है ड्रा रेक्टेंगल ए बी सी, रेक्टेंगल बनाइए। रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि आमने सामने की जो साइड होती हैं अपोजिट साइड हैं वो बराबर होती हैं, चारों साइड बराबर नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स बराबर। तो ऐसा नहीं बनेगा, पॉइंट सी बनाया जाएगा, ड्रा और रेक्ट एंगल ए बी सी डी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी सी एंड डी, एक्स वाई की दे रखी है, ऑर्डर पेयर दे रखा है आपका हर पॉइंट का। हम क्या करेंगे, ड्रा करने के लिए हमें सबसे पहले हॉरिजेंटल ड्रा करना पड़ता है, तो हॉरिजेंटल एक लाइन ड्रा कर ली जिसको हमने एक्स एक्सिस का, इस तरह एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रा कर ली इसके ऊपर, इसको हमने वाई एक्सिस का, चाहे दोनों लाइनें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मीट करती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। मैंने लिखा नहीं कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए, ओरिजिन होता है वो जीरो जीरो, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है वाई की कसर नजर आ रहा है। अगर आपको मोबाइल में प्रॉब्लम हो तो लैपटॉप पर चेक कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको कसर नजर दिखाई देगा। अब हॉरिजॉन्टल से जब राइट साइड पे आते आएंगे सारे पॉजिटिव होते हैं, वन टू एट कर दिए, हॉरिजॉन्टल से लेफ्ट की तरफ जाएंगे सारे निगेटिव होंगे, ठीक है। ओरिजिन से जितने भी ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे सारे निगेटिव होंगे, ओरिजिन से अप जाएंगे तो सारे वाई एक्स वाले प्लस होंगे, ऑरिजन जहाँ पर हम लाइन मीट किए उससे नीचे आते जाएंगे सारे निगेटिव होते जाएंगे वाई की वैल्यू, ठीक है जी। अब पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, ए जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू क्या है, वो माइनस वन है। एक्स जीरो कहाँ होता है, वो एक्स की वैल्यू जीरो एक्स वाई एक्सिस पे होती है हमेशा, ये पूरा वाई एक्सिस है, तो इस पर किसी भी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी आपको, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। इस पर कहीं पे भी हो सकता है ये एक्स वैल्यू जीरो, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, माइनस वन का है वो हमारे पास, वो नीचे की तरफ बनेगा, ये प्लस वन गलती से हो गया था मुझसे, माइनस वन की वैल्यू क्या थी, माइनस वन, तो माइनस वन नीचे मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, प्लस वन नहीं है, माइनस वन है, ऊपर नहीं आएगा वो नीचे आएगा, गलती से हुआ था, ठीक है। माइनस वन पे मैंने डॉट लगा दिया, ये मेरा पहला पॉइंट है, एकदम से डायरेक्ट रेक्टेंगल ही बन गया, पहले पॉइंट्स हमने इसको आइडेंटिफाई किए हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स की वैल्यू, मैंने बताया था वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू तो जीरो होगी हर पॉइंट पे, हर वाई एक्सिस की हर जगह पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी वाई एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी, माइनस वन, जब माइनस वन है वहीं पे ही एक्स भी जीरो है, वाई जो है माइनस वन है, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब बी पॉइंट कहता है कि जीरो और फाइव, यानी कि जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू फिर जीरो है, तो यानी वाई एक्सिस पर ही होगा, कहाँ होगा, ये वाई एक्सिस पर ही होगा, लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, फाइव, फाइव मीन्स प्लस, प्लस मीन्स ऊपर जाएंगे, ओरिजिन से ऊपर गए फाइव तक, वहीं पर मार्क कर दिया, एक डॉट लगा दिया मैंने, क्यों, ये यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू जीरो होती है, तो a पॉइंट में भी x की वैल्यू जीरो है, b पॉइंट में भी x की वैल्यू जीरो है, लेकिन y की वैल्यू कुछ है, वहाँ माइनस वन थी तो माइनस वन लिख दिया, वहाँ पे फाइव है तो फाइव लिख दिया, जीरो फाइव और जीरो माइनस वन। अब c कहता है सेवन एंड माइनस वन, x की वैल्यू सेवन है तो राइट साइड पर जाएंगे सीधे गए सेवन तक, सेवन पॉइंट पर टच नहीं करेंगे क्योंकि वाई यहाँ पे वाई की वैल्यू दे रखी है, वाई माइनस वन है, माइनस वन कहाँ होता है, वो नीचे होता है, यहाँ से, यहाँ से सीधे आते जाएंगे ऊपर से नीचे आएंगे, जहाँ मीट करेगा वो आपका पॉइंट सी है। एक्स की वैल्यू सेवन, वाई की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू सेवन है और वाई की वैल्यू माइनस वन है। डी पॉइंट कहता है सेवन एंड फाइव,
सेवन मतलब यानी कि एक्स की वैल्यू ही सेवन, तो एक्स की वैल्यू सेवन है, वाई की वैल्यू कितनी है फाइव, फाइव के इससे राइट साइड जाते जाएंगे और सेवन से एक्स वैल्यू से ऊपर जाते हैं, हम मीट करेगा उसको जोड़ देंगे। ये रफ बनाए में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। अब क्या करेंगे, ए को बी से मिलाएं, हालांकि वही सी उसी वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे, डार्क करके बना दीजिए ताकि पता चल जाए। फिर बी को ए के बाद फिर ए को सी से मिला दीजिए और बी को डी से मिला दीजिए और डी को सी से मिला दीजिए। ये एक रेक्टेंगल शक्ल में देखने से नज़र आ रहा है, ये अपोजिट साइड आपस में बराबर हैं लेंथ के अंदर, जितनी हाइट ए और बी की है इतनी सी और डी की है, जितनी ए और सी की लेंथ है इतनी ही लेंथ किसकी है बी और डी की है, अपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं और राइट एंगल बन रहा होता है। ये आपके बन गया राइट एंगल, ठीक है जी। इसके बाद देखिए, अब यहाँ कहता है ड्रॉ कीजिए स्क्वायर को ओ ए बी सी को बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ ए बी सी पॉइंट को ज्वाइन करने से। ओ क्या है, ओरिजिन होता है, लेकिन जीरो जो दिखा दिया एक्सिस, यानी ये ओ ओरिजिन, इसी को बड़ा मार्क करके दिखा दिया मैंने इसमें अभी, तो एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो, ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है वाई एक्स वाई की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। ऊपर जाते जाएंगे इस ओरिजिन से ऊपर जाते जाएंगे तो एक्स तो जीरो होगा लेकिन वाई कुछ ना कुछ होगा, और इस ओरिजिन से नीचे आते जाएंगे तो एक्स जीरो होगा लेकिन वाई कुछ ना कुछ होगा। इसी तरह इस ओरिजिन से यहाँ जाते जाएंगे राइट साइड पर तो एक्स तो कुछ होगा लेकिन वाई की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट जीरो जीरो था, जीरो जीरो कर दिया। अब ए पॉइंट क्या है, फाइव और जीरो, यानी एक्स की वैल्यू क्या है वो फाइव है, वाई की वैल्यू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू फाइव यहाँ पर है, वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे जीरो ही होती है, तो यही पॉइंट लाएगा आपका, ठीक है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो है और इस वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो है, तो ए पॉइंट में क्या है एक्स की वैल्यू तो है फाइव, फाइव पे पहुँच गए, वाई की वैल्यू जीरो थी यहीं पर रहेगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। तीसरा पॉइंट है क्या हमारे पास, फाइव और फाइव, यानी एक्स की वैल्यू भी फाइव और वाई की वैल्यू भी फाइव, तो एक्स की वैल्यू प्लस की फाइव तो प्लस फाइव है, वाई भी प्लस फाइव है, वाई की वैल्यू प्लस फाइव है, तो वाई यहाँ प्लस फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव तक करा था, यहाँ से सीधे आएंगे राइट साइड पे, यहाँ से अप जाएंगे, यहाँ मीट करेगा वो बी पॉइंट होगा। सी पॉइंट क्या है, जीरो और फाइव, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, वो वाई एक्सिस पे होती है, यानी जब फाइव जहाँ वाई की वैल्यू फाइव है वही पॉइंट आपका ये बन जाएगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के ऊपर हमने डॉट लगा दिया क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो है, फाइव अपनी जगह पे। अब हम क्या करेंगे, इसको ओ को मिला लेंगे ए के साथ, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को ओ के साथ, ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर रिफ्लेक्शन क्या होती है, सारे चारों साइडें जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं लेंथ के अंदर, तो शेप देखने में नज़र आ रहा है कि चारों साइडें आपस बराबर हैं। अब कहता है ड्रा आ पैरेललोग्राम, पैरोग्राम क्या होता है, तिरछा होता है नमक पारे की तरह, ठीक है। ड्रॉ अ पैरोग्राम ओ ए बी सी वेयर वर्टेक्स इज आर ओ ओरिजिन जीरो जीरो ए टू फोर बी, ये बुक में पॉइंट गलत दे रखा है, रिवर्स होगा, ये जीरो फाइव दे रखा है, फाइव जीरो होना चाहिए, सी सिक्स और फोर, ठीक है जी। हमने क्या किया, जब ड्रॉ करना है हमें ये पॉइंट, हमें हमने एक्स एक्सिस बनाया एक, ठीक है, और ए बना दिया वाई एक्सिस, ऊपर मार्किंग कर दी हमने सिक्स तक, यहाँ ऊपर फाइव तक कर दी, यहाँ माइनस सिक्स तक, और नीचे भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैंने कहाँ तक किया फाइव तक ही किए। अब पॉइंट कौन सा, पहला पॉइंट ओरिजिन है जीरो जीरो, ओरिजिन ये होता है जहाँ पे एक्स और वाई मीट करते हैं, तो वो ओरिजिन पॉइंट था, वहाँ पर एक्स वैल्यू भी जीरो होती है और आपके वाई की वैल्यू भी जीरो होती है, ठीक है जी। इसके बाद पॉइंट दूसरा ए है टू और फोर, ए पॉइंट टू और फोर, नहीं एक एक्स की वैल्यू क्या है टू, वाई की वैल्यू फोर है, टू कहाँ है एक्स एक्सिस पे, वन और टू, टू यहाँ पर है, वाई के लिए क्या है फोर है, तो वन टू थ्री फोर, फोर से राइट जाते जाएंगे और टू से अप जाते जाएंगे, तो ये यहाँ जाके मीट करेगा, ठीक है जी। इसके बाद बी पॉइंट कहता है जीरो फाइव कहा हुआ था, तो जीरो फाइव तो यहाँ बन जाएगा आप पास, ये तो शेप अलग हो जाएगी, पैरोग्राम की नहीं बनेगी, अगर फाइव जीरो करें तो सही बन जाएगा, ये इसको रिवर्स कर दें तो फाइव एक्स की वैल्यू फाइव, समझे आप, ये गलत है पॉइंट, जीरो फाइव नहीं है, फाइव जीरो है, एक्स की वैल्यू फाइव वाई की वैल्यू जीरो, तो फाइव कहाँ पर है, फाइव यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो है, यही पॉइंट है आपका, ठीक है। इसके बाद सी पॉइंट देता है हमारे को यहाँ पर सिक्स और फोर, तो एक्स की वैल्यू सिक्स आगे बढ़ गए सिक्स, और वाई की वैल्यू क्या है फोर, फोर मीन्स यहाँ से सीधे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ से अप जाएंगे सिक्स से और फोर से राइट जाते जाएंगे, जहाँ मीट करेगा वो पॉइंट सी, गलत लिख दिया, डी नहीं है सी है ये, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, सी है सिक्स और फोर, अब मिला लेंगे
ओ को ए से मिला लें, ओ को ए से मिला लें और यहाँ पे ओ को फिर बी से मिला दें, उसके बाद ओ बी को सी से मिला दें और ए को भी सी से मिला दें। तो थोड़ा तिरछा बनता है, लेकिन अपोजिट साइड है इसमें भी आपस में क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं, लेकिन राइट एंगल नहीं बन रहा होता कहीं पर। ठीक है जी, ये पैरेललोग्राम था। अब यहाँ पे कहता है कंस्ट्रक्ट कीजिए द टेबल फॉर द सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक टेबल बनाइए एक्स और वाई की वैल्यू का ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, वन हो। एक्स की पावर भी वन है, वाई की पावर भी वन है, तो उसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी थी एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इज इक्वल टू भी हो, इक्वल भी हो, यानी इज इक्वल टू लास्ट में हो, इक्वल हो या ना हो, लेकिन इज इक्वल टू जरूर हो उसके अंदर, और क्या हमारे पास एक्स के वेरिएबल की पावर क्या हो, वन हो। ठीक है, अब ये ले लिया हमने, ये टू यहाँ माइनस का था, इसको वहाँ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, वाई यहाँ प्लस का था, वाई वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन वन बन गई एक्स इज इक्वल टू टू माइनस वाई। अब हम अपने तरीके से पुट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज दी हुई नहीं है, हम खुद पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो एक अगर देखें लाइन देखें तो लाइन में एक जीरो पॉइंट होता है, उसके राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड पर निगेटिव इंटीजर होते हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि वन टू होगा तो वहाँ माइनस वन माइनस टू होगा। अब आप इसी रेंज में ले सकते हैं, लोग बहुत से क्या करते हैं माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, इस तरह लेते हैं, मुख्तलिफ ले सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम पहले क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ माइनस टू से जाएंगे हम टू की तरफ। ठीक है ना, एक लाइन के अंदर ओरिजिन के ये निगेटिव भी लेंगे वैल्यूज, राइट भी ले लेंगे, बहुत ज़्यादा लिंक जरूरत नहीं, माइनस टू से स्टार्ट करेंगे। तो वाई की वैल्यू टू माइनस टू पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन वन में, तो टू अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह, वाई की जगह माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू हो गया, टू और टू कितना हो गया, फोर हो गया। जब आपने y की वैल्यू माइनस टू रखी तो x की वैल्यू क्या है, वहाँ फोर है, माइनस टू हो गया, तो y की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, तो x प्लस टू माइनस y की जगह क्या आ गया, माइनस वन आ गया, तो माइनस वन इसकी हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो टू और वन कितने जाएंगे, थ्री हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से माइनस टू हो गया, माइनस वन हो गया, तो अब क्या पुट करेंगे, जीरो। ठीक है, मैंने यहाँ दिखाया था आपको कि मैंने माइनस टू ही पुट कर दिया, माइनस वन ही पुट कर दिया, अब जीरो पुट करेंगे किसमें, इसी इक्वेशन में टू माइनस वाई के अंदर, तो अब वाई की जगह जीरो पुट कर देंगे, वाई की जगह जीरो, टू माइनस वाई, वाई की जगह क्या है, जीरो, टू में से जीरो गया तो टू आ गया। अब प्लस वन पुट करेंगे, वाई इजिकल टू वन पुट करेंगे जहाँ पे, तो एक्स इजिकल टू माइनस वाई था, तो वाई की जगह पे वन पुट कर दिया, टू में से वन गया तो वन आ गया। अब टू पुट करेंगे जहाँ जहाँ वाई, तो वाई एक्स इजिकल टू टू माइनस वाई था, तो वाई की जगह क्या पुट कर दिया, टू पुट कर दिया, तो टू में से टू गया जीरो। अब टेबल किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा टेबल में, एक हम एक शेप बना देंगे रेक्टेंगल टाइप की, इसमें ब्लॉक बना देंगे हम, इसमें वाई पुट कर रहे थे तो एक्स क्या आ रहा था, तो एक बार हमने किस तरह पुट किया था, माइनस टू पुट किया था, माइनस वन पुट किया था, जीरो पुट किया था, वन पुट किया था, टू पुट किया था। अब देखिए माइनस टू जब पुट किया था तो आंसर क्या आया था, जब माइनस टू पुट किया था तो आंसर फोर आया था। ठीक है, तो जहाँ माइनस टू था वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फोर लिख देंगे, माइनस टू पुट किया तो आंसर फोर आया। अब वहाँ देखिए माइनस वन में क्या, जब माइनस वन पुट किया था तो थ्री आया था, माइनस वन पुट किया तो थ्री आया। ठीक है, इसी तरह से जब जीरो पुट करेंगे तो क्या आया होगा, जब जीरो पुट किया था तो हमने क्या आया था, हमारे पास टू आया था, जीरो पुट करने पर टू आया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे वन पुट किया था तो वन आ गया, वन पुट किया तो वन आ गया, और टू पुट किया तो क्या आ गया, जीरो आ गया। ये आपका टेबल है। क्या होता है, सवाल को दोबारा से रिपीट करता हूँ, इसमें क्या क्या हमने, इसमें कहा गया कंस्ट्रक्ट कीजिए टेबल को, एक टेबल अभी लास्ट में टेबल बनाया है हमने, एक्स 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 की वैल्यूज भी रखी हुई हैं, वाई की वैल्यूज रखी हैं, तो एक्स की वैल्यूज जो आई थी वो भी साथ साथ रख दी। इक्वेशन आपको लीनियर दे रखी, लीनियर का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, वो वन है, उनकी पावर वन है। उसी लीनियर जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी के लिए, ताकि हम जब वाई की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करें तो एक आंसर देगा एक्स का कुछ ना कुछ। सब बच्चों का आंसर सेम नहीं आ सकता है, इसमें सबका मुख्तलिफ आ सकता है। हमने माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन, कोई माइनस सेवन माइनस थ्री माइनस नाइन कुछ भी पुट करेगा तो उसके हिसाब से मुख्तलिफ आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा सबका आंसर सेम नहीं हो सकता, लेकिन ये सब एक एक्सरसाइज कराई गई है आपको यहाँ पे। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, एक वेरिएबल को एक तरफ रहने दिया, बाकी सब तमाम चीज़ों को कॉन्स्टेंट को वेरिएबल को दूसरी तरफ कर दिया, ताकि हम सॉल्व करें तो आंसर निकल आए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स निकल आएगा। तो हमने एक बार माइनस टू पुट किया, एक बार माइनस वन पुट किया, एक बार जीरो पुट किया, एक बार फिर वन पुट किया, और एक बार टू पुट किया। ये मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने एक पहले ही बना लिया था यहाँ पे एक लाइन के हिसाब से, ओरिजिन से जीरो पॉइंट से लेफ्ट साइड के इंटीजर माइनस टू तक लिए और प्लस साइड के टू इंटीजर लिए। ज़्यादातर लोग यही लेते हैं, जो आंसर आ जाएंगे हमारे पास, तो हमने जब
माइनस टू पुट किया था तो आंसर फोर आ गया, जब माइनस वन पुट किया था तो आंसर थ्री आया, जब जीरो पुट किया था टू आया, जब वन पुट किया था वन आया, टू पुट किया था टू आया, तो आपका आंसर है। इस तरह दूसरी इक्वेशन दे रहा है यहाँ पे, टू एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू फोर। क्या हमें मालूम करना है, एक्स की मर्जी हमारे लिए कि हम एक्स की बना लें, हम वाई की बना लें, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने वाई को ईजिली सॉल्व करने के लिए वाई को बनाया, तो मैंने क्या किया, वाई को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया और फोर को यहाँ शिफ्ट किया, माइनस टू एक्स, ये टू एक्स अपनी जगह पर है, माइनस टू अपनी जगह पर, ये टू, ये फोर प्लस का था तो वो टू के पास जाके माइनस का हो गया, ये वाई यहाँ माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो गया। अब सॉल्व कर, एक्स माइनस सिक्स का अब इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक बार हम पुट करेंगे माइनस टू, एक बार माइनस वन, एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार टू। जब माइनस टू पुट किया हमने, जहाँ जहाँ एक्स है माइनस टू पुट कर दें इक्वेशन बन में, तो वाई अपनी जगह पे, इज इक्वल टू अपनी जगह पे, टू अपनी जगह, एक्स की जगह क्या जाएगा माइनस टू, तो माइनस टू आ गया, माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स अपनी जगह पर, टू टू ज़ा फोर, लेकिन प्लस माइनस, माइनस का फोर, माइनस का सिक्स अपनी जगह, माइनस का टेन, माइनस टू हो गया, माइनस वन पुट करेंगे, वाई इक्वल टू टू एक्स था, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया माइनस वन, माइनस सिक्स अपनी जगह था, माइनस प्लस माइनस टू वन ज़ा टू, माइनस सिक्स और माइनस टू कितना होगा माइनस का एट, माइनस टू पुट कर दिया, माइनस वन पुट कर दिया, अब जीरो पुट करेंगे, अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, सबके मुख्तलिफ आ सकते हैं आंसर। तो वाई इक्वल टू टू एक्स था तो एक्स की जगह पर जीरो पुट कर दिया, जब भी किसी नंबर को, कोई नंबर किसी जीरो को मल्टीप्लाई करता है तो वो जीरो हो जाता है, माइनस सिक्स अपनी जगह, तो क्या आ गया माइनस सिक्स आ गया, तो माइनस टू पुट कर दिया, माइनस वन पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, अब वन पुट करेंगे तो एक्स की जगह वन पुट करेंगे, वाई इजिकल टू एक्स, एक्स की जगह वन आ गया, माइनस सिक्स अपनी जगह था, टू वन सा टू कितना बचेगा सिक्स जाएगा, माइनस फोर आ गया, करेंगे तो पुट करेंगे एक्स की जगह पे टू, तो वाई इजिकल टू टू एक्स था तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, टू पुट कर दिया, माइनस सिक्स अपनी जगह था, टू टू ज़ा फोर तो कितना बचा सिक्स गया तो टू बचा, यानी कि हमने सवाल में तो अभी टेबल बनाना था, तो वाई एक्स पुट किया तो वाई का आंसर आ गया, तो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ये हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम ये पुट करेंगे, जीरो के राइट साइड वाले दो इंटीजर ले लेंगे और जीरो के लेफ्ट साइड वाले दो इंटीजर ले लेंगे, तीन भी ले सकते हैं आप, राइट साइड के भी तीन, लेफ्ट साइड के भी तीन, मैंने आसानी के लिए पांच वैल्यूज निकालने के लिए मैंने राइट साइड के दो लेफ्ट साइड के दो लिए। माइनस टू पुट किया था तो माइनस टेन आ गया था, जब माइनस वन पुट किया था तो माइनस एट आ गया, ये ऊपर सॉल्व किया अभी, जीरो पुट किया था माइनस सिक्स आ गया, जब वन पुट किया था माइनस फोर, टू पुट किया था माइनस टू आ गया, ठीक है समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए इक्वेशन दे रखिए, वही टेबल बनाना है हमें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल कर दी इक्वेशन, जैसे बच्चा कंफ्यूज हो जाए क्या करेगा, किस तरह वैल्यूज, एक इक्वेशन, एक इक्वेशन टेम्प्रेरी कैसे बनाएगा। हमने देखा यहाँ पे सिक्स क्या था, माइनस का था, तो इसको वहाँ ले जाएं पहले, यानी कि टू को वहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, पहले डिवाइड वाला सॉल्व नहीं होगा, पहले माइनस वाला वहाँ जाएगा, माइनस सिक्स को वहाँ ले जाएंगे, प्लस का सिक्स हो जाएगा, अब ये डिवाइड कर रहा है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स प्लस टू है अपनी जगह पर, टू मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर, यहाँ टू यहाँ डिवाइड कर रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, सिक्स मल्टीप्लाई टू कितना हो गया ट्वेल्व, टू वाई प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, एक टेम्प्रेरी इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब वही बात, मैंने अब इस वक्त जो इक्वेशन के लिए माइनस थ्री रखा है, माइनस टू रखा है, माइनस वन रखा है, जीरो रखा है, वन रखा है, टू रखा है, थ्री रखा है, सेवन वैल्यूज आएंगे, तो हम माइनस थ्री पुट करेंगे जहाँ जहाँ वाई है, तो पुट कर दिया वाई इक्वल टू माइनस थ्री इक्वेशन वन में, तो एक्स अपनी जगह पे इज इक्वल टू अपनी जगह, ट्वेल्व अपनी जगह, माइनस टू अपनी जगह, वाई की जगह क्या पुट कर दिया माइनस थ्री, ट्वेल्व अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस होगा, टू थ्री कितना होगा एटीन होगा, माइनस थ्री पुट कर दिया, माइनस टू पुट करेंगे हम जीरो तरफ जाएंगे ना, तो जब टू पुट करेंगे तो एक्स अपनी जगह पे, प्लस टू अपनी जगह पे, माइनस टू अपनी जगह पे, यहाँ पे माइनस टू एक्स था तो एक्स की जगह पे क्या आ गया माइनस टू पुट कर दिया हमने, ट्वेल्व ट्वेल्व अपनी जगह पे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टू, टू ज़ा फोर हो गया, तो कितना हो गया सिक्सटीन हो गया, माइनस थ्री पुट किया आपने, माइनस टू पुट किया, माइनस वन पुट कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टू, एक्स एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं माइनस वन पुट कर रहे हैं, प्लस अपनी जगह ट्वेल्व, प्लस माइनस माइनस प्लस जगह टू वन ज़ा टू, कितना हो गया फोर्टीन आ गया, आप जीरो पुट करेंगे जहाँ जहाँ वाई वहाँ से जीरो पुट कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल ट्वेल्व माइनस टू वाई था तो y की जगह जीरो, तो कोई भी रकम कोई भी आदत कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करे जीरो को तो वो जीरो हो जाती है, ट्वेल्व अपनी जगह पे माइनस जीरो, ट्वेल्व आ गया हमारे पास, अब माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो पुट कर दिया, अब पॉजिटिव साइड जाएंगे वन टू थ्री तक, y इज इक्वल टू वन पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे y, x इज इक्वल ट्वेल्व माइनस टू आया था तो y की जगह वन पुट कर दिया, ट्वेल्व अपनी जगह माइनस प्लस माइनस टू वन जो टू कितना आ गया टेन आ गया, फिर टू पुट करेंगे y इज इक्वल टू टू, तो x इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टू वाई था तो टू वाई की जगह पर टू माइनस टू पुट कर दिया यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस टू टू ज़ा फोर हो गया, कितना हो गया एट आ गया,
माइनस थ्री पुट किया था आपने पहले, माइनस टू पुट किया, फिर माइनस वन पुट किया, फिर जीरो पुट किया, फिर वन पुट किया, फिर टू पुट किया, अब रह गया आपका थ्री। तो वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, माइनस टू वाई था, वाई की जगह पे थ्री पुट कर दिया, टू थ्री जो सिक्स हो गया, ट्वेल्व में सिक्स गया, सिक्स आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर टेबल बी एस, इस तरह से होगा टेबल, वाई पुट कर रहे थे तो एक्स का आ रहा था माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ये हमने पुट किया था। तो जब क्वेश्चन पुट किया तो आंसर आया था, माइनस थ्री पुट किया तो 18 आया था, जब माइनस टू पुट किया था तो 16 आया था ऊपर, जब माइनस वन पुट किया था 14 आया था, जीरो पुट किया था तो 12 आया था, वन पुट किया तो 10 आया, टू पुट किया तो 8 आया, थ्री पुट किया तो 6 आ गया, ये आपका आंसर है। एक और इक्वेशन है टू अपॉन थ्री दे रखा है, टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू को, तो जाहिर बात है हमें एक्स वाई की कोई एक टेम्पररी वैल्यू चाहिए, तो हम ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं इनको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर रहा थ्री, थ्री जाके मल्टीप्लाई कर देगा टू को, तो माइनस टू को मल्टीप्लाई कर दिया थ्री, ये टू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ जाके इस टू को डिवाइड करेगा, डिवाइड कर टू से टू कट गया तो माइनस का थ्री बचा यहाँ पे, ये अपनी जगह था एक्स माइनस टू आया था, तो एक्स माइनस टू अपनी जगह पर, यहाँ में से क्या बचा टू से टू कट गया तो माइनस माइनस थ्री बचा, ये टू वाई प्लस माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो पहले इसको लिख दिया थ्री को माइनस थ्री को आगे कर दिया मैंने, ये माइनस का था ना, ये तो प्लस हो गया वहाँ जाके, ये अपनी जगह रहा माइनस। अब टेम्पररी वैल्यूज हैं, अब वही बात है, मैं माइनस टू पुट करूँगा, माइनस वन पुट करूँगा, जीरो पुट करूँगा, वन पुट करूँगा और टू तक, पाँच वैल्यू निकालूंगा, वाई की वैल्यू टू पुट कर दें यहाँ पे, तो एक्स अपनी जगह पे इज इक्वल टू जगह पे टू वाई था, तो टू अपनी जगह, वाई की जगह क्या माइनस टू, माइनस थ्री अपनी जगह पर है, तो टू टू जो फोर हो गया, माइनस का फोर, माइनस का थ्री कितना हो गया, माइनस का सेवन हो गया, माइनस टू हो गया तो माइनस वन पुट करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री, तो वाई की जगह पे माइनस वन, प्लस माइनस माइनस टू, माइनस का थ्री हो गया, माइनस का फाइव हो गया। इस तरह से वाई के लिए जीरो पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री, तो वाई की जगह जीरो, तो टू को जब जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री अपनी जगह, तो क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब जीरो पुट हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस वन हो गया, जीरो हो गया, अब वन पुट करेंगे तो वाई की जगह वन, एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री, तो वाई की जगह पर वन पुट करेंगे, टू वन से टू माइनस थ्री, माइनस वन आ गया, अगेन पुट, अब क्या करेंगे जीरो भी हो गया, वन भी हो गया, टू, अब टू पुट करेंगे तो वाई की जगह टू, एक्स इजिकल टू टू वाई था, वाई की जगह पे टू कर दिया, माइनस थ्री अपनी जगह था, टू टू जो फोर हो गया, थ्री गया तो वन बचा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर टेबल विल बी एस, टेबल क्या हो जाएगा, वाई पुट कर रहे थे तो एक्स आ रहा था, वाई क्या क्या रखा था हमने, माइनस टू रखा था, माइनस वन रखा था, जीरो रखा था, वन रखा था, टू रखा था, जब माइनस टू पुट किया था तो आंसर ऊपर भी सॉल्व करके आए, सेवन आया था, माइनस सेवन, जब माइनस वन पुट किया था माइनस फाइव, जीरो पुट किया था तो माइनस थ्री आया था, वन पुट किया था तो एक्स की वैल्यू माइनस वन आई थी, टू पुट किया था तो वन आया था, ये आपका आंसर है। थैंक यू सो मच, होपफुल कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको स्टडी का प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको इजी होगा, थैंक यू सो मच।